Namaste, and a very happy good evening actually. आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस सफाई के सत्र में. जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे सफाई के सेशंस जो हैं रेगुलर चल रहे हैं. इसका एक ही कारण है कि हम सब लोग जो हार्टफुलनेस इंट्रोड्यूस करता है अपनी प्रैक्टिसेस, जो मेथड्स हैं उसको सही तरीके से हम कर पाए. बहुत इम्पोर्टेंस है क्लीनिंग की, जो यूनिक प्रोसेस हार्टफुलनेस मेडिटेशन ने ऑफर किया हुआ है. क्लीनिंग बहुत इम्पोर्टेंस है उसकी, और बहुत ज़रूरत है उसकी हमें रोज़ करने के लिए भी. जैसा कि हम शारीरिक तौर पर रोज़ नहाते हैं, और एक दिन अगर नहीं नहाए तो हमें बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, बहुत हैवीनेस लगती है, ऐसे ही मानसिक तौर पर भी हम बहुत सारे स्टेन्स अपने अंदर लगाते हैं. और मानसिक तौर पर लगाए गए स्टेन्स एक्चुअली हमें ज़्यादा परेशान करते हैं. अगर हम स्ट्रेस्ड हैं या किसी बात से परेशान हैं, तो अगर हम शारीरिक तौर से नहा भी लें या रिफ्रेश होने की कोशिश करें, तो भी हम मानसिक तौर से रिफ्रेश नहीं होते हैं. जैसे कि हम चल रहे होते हैं और हमारे कपड़ों में दाग लग जाए, जाने अनजाने हमें पता भी नहीं लगता है, ऐसे ही मानसिक तौर पे भी पूरे दिन में हम बहुत सारे छापे, बहुत सारे दाग अपने अंदर अपने मनस पर लगाते हैं. चाहे हम बात कर रहे हों, चाहे हम मूवी देख रहे हों, चाहे हम किसी से मिलते हों, तो भी जाने अनजाने छापे पड़ ही जाती हैं, एकत्रित हो ही जाता है. तो ये जो प्रक्रिया है अपने आप को साफ करने की, मानसिक रूप से अपने सफाई करने की, बहुत ही महत्वपूर्ण है. रेगुलरली शाम को हम, जैसे कि अभी सेशंस चल रहे हैं, तो आप लोग रेगुलरली इसको अटेंड करिए और उसको अच्छे से सीखिए, क्योंकि प्रक्रिया का ठीक तरीके से होना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर प्रक्रिया ठीक तरीके से नहीं होगी तो हम उसके रिजल्ट्स जो हैं ठीक तरीके से नहीं पाएंगे. तो जो दाग हम जाने अनजाने लगाते हैं, उसको बहुत डायनामिक प्रोसेस जो क्लीनिंग है उसके साथ हम आराम से इजीली अपने मनस से साफ कर सकते हैं. और जब हम साफ कर लेते हैं तो अगले दिन हमारा ध्यान भी उतना ही अच्छा होने लगता है जब हमारी सफाई अच्छी होती है. सफाई में ये एक चीज़ महत्वपूर्ण ये भी है कि हर इंसान की, जितने भी लोगों से हम मिलते हैं, हर इंसान की अपनी वाइब्स होती हैं. और जब कुछ भी जब हमें अफेक्ट करता है, तो इजीली हम जब प्रक्रिया के द्वारा, सफाई की प्रक्रिया के दौरान हम उससे आराम से साफ कर सकते हैं. तो इसलिए सफाई बहुत महत्वपूर्ण है. तो रेगुलरली सफाई करने की आदत हमें होनी चाहिए. विडंबना यह है कि हम शारीरिक तौर पर तो अनुभव कर लेते हैं कि जब हमें भारीपन महसूस होता है और हम रिफ्रेश होना चाहते हैं, मानसिक तौर पर स्ट्रेस के रूप में डेफिनेटली हम अनुभव करते हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि उसको साफ किया कैसे जाना है. और इस डायनामिक प्रोसेस से अगर हम रेगुलरली करते रहेंगे, तब हमें खुद से रिफ्रेश फील करेंगे ईजिली, और उसकी आदत बनानी चाहिए. हमें इसका भी पता लगना चाहिए कि कैसे, अगर कुछ हो रहा है और हमारा कुछ छूट रहा है, सफाई अगर छूट रही है, तो हमें बिल्कुल अनकंफर्टेबिलिटी भी होनी चाहिए कि छूटनी नहीं चाहिए. तो ये महत्वपूर्ण प्रोसेस शुरू करते हैं हम सफाई की प्रक्रिया के. जैसे जैसे हम इंस्ट्रक्शंस आ रही है, आप ज़रूर उसको फॉलो करिए. मानसिक प्रक्रिया है तो हमें अपनी विल पावर का प्रयोग करना है. तो शुरू करते हैं. आराम से बैठ जाएं. और अपनी आंखें बहुत हल्के से कोमलता से बंद कर लें. बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं. अपना ध्यान अपने पीठ की ओर ले जाएं, सिर के ऊपरी भाग से लेके नीचे, पीछे नीचे टेल बोन तक.
महसूस करें कि जितनी भी जटिलताएं, जितनी भी अशुद्धियां हमारे हृदय में है, हमारी संपूर्ण संरचना में है, वो सब पीठ के रास्ते से धुएं के रूप में बाहर जाने लगी हैं। यह एक प्रक्रिया है जो आपने अपनी संकल्प शक्ति के द्वारा शुरू की है। महसूस करें कि सारी जटिलताएं, सारी अशुद्धियां आपके पूरे सिस्टम से पीठ के ओर से धुएं के रूप में बाहर जा रही हैं। महसूस करें कि ऐसा हो रहा है। आवश्यकता अनुसार अपनी विल पावर का प्रयोग करें। अब धीरे धीरे इस प्रक्रिया को तेज कर दीजिए। महसूस करें कि सारी जटिलताएं, सारी अशुद्धियां आपके पूरे सिस्टम से पीठ के रास्ते से धुएं के रूप में तेजी से निकल रही हैं। वहीं बने रहें। और सभी जटिलताओं और अशुद्धियों को जाने दें। एक्टिव मोड में रहें। और आवश्यकता अनुसार अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग करें। सभी अशुद्धियां, सभी जटिलताएं पीठ के रास्ते से धुएं के रूप में तेजी से निकल रही हैं। पीछे सिर के ऊपरी भाग से लेके नीचे टेल बोन तक
इस प्रक्रिया के द्वारा आपका पूरा सिस्टम प्यूरिफाई हो रहा है। अपनी संकल्प शक्ति का आवश्यकता अनुसार प्रयोग करें, कोमलता से, इस प्रक्रिया के दौरान यदि कोई विचार आपको, अन्य विचार आपको परेशान करे, उसे बिल्कुल ध्यान नहीं दे, वापस इसी प्रक्रिया पे आए और सारी जटिलताओं और अशुद्धियों को जाने दें। जैसे जैसे पीठ के रास्ते से निकलता जा रहा है, हृदय में भी रिक्तता पैदा होती जा रही है। अपना ध्यान पीठ की तरफ ही रखें। और सभी जटिलताओं और अशुद्धियों को जाने दें। सभी अशुद्धियां, जटिलताएं पीठ के रास्ते से तेजी से निकल रही हैं और हृदय में रिक्तता बढ़ती जा रही है। अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करें। और सक्रिय रहें।
पीठ के रास्ते से निकलना अब थोड़ा कम हो गया और हृदय में रिक्तता और बढ़ गई। जब आप हृदय में अपना हल्कापन, खालीपन महसूस करें, तब आप स्रोत से जुड़ गए हैं ऐसा महसूस करेंगे। अपना ध्यान अपने हृदय की तरफ ले आएं और महसूस करें इस खालीपन को। अब सोचें कि सामने से सोर्स से पवित्र ईश्वरीय धारा उतर रही है और आपके हृदय में प्रवेश कर रही है। इस पवित्र ईश्वरीय धारा का प्रवेश आपके हृदय में होने लगा है। और इस धारा के प्रवेश से जो बची हुई जटिलताएं और अशुद्धियां हैं वह भी पीठ के रास्ते से बाहर निकल गई हैं। और पीछे से यह प्रक्रिया पूरी तरह से बंद हो गई है। पवित्र ईश्वरीय धारा आपके हृदय के खालीपन को भर रही है। आपके हृदय के प्रत्येक कोने में पवित्र ईश्वरीय धारा का प्रवाह होने लगा है। पूरे हृदय का प्रत्येक कण पवित्र ईश्वरीय धारा में डूबने लगा है। अब आपका हृदय इस पवित्र ईश्वरीय धारा से पूरी तरह भर गया है। और अब इस धारा का प्रवाह आपके पूरे शरीर में होने लगा है। यह पवित्र ईश्वरीय धारा पूरे शरीर में फैलने लगी है। पूरे शरीर के प्रत्येक कोने में
पवित्र ईश्वरीय धारा का प्रवाह होने लगा है। सिर से लेकर पैर तक पूरे शरीर का प्रत्येक कण पवित्र ईश्वरीय धारा में डूबने लगा है। और अब इस धारा का प्रवाह सामने से बंद हो गया। और आपका पूरा शरीर इतना हल्का और पवित्र हो गया मानो कि ईश्वर का मंदिर अब आप पूरी तरह से शुद्ध और पवित्र हैं। तो ये थी सफाई की प्रक्रिया। जब आप रोज सफाई करने लगेंगे सही प्रक्रिया से, हमारे साथ इन सेशंस में जुड़ेंगे, तो आप सही तरीके से सफाई कर पाएंगे। आप जान पाएंगे कि कैसे सफाई करनी चाहिए, तभी आप उसका फल भी प्राप्त कर पाएंगे। जब सफाई हम रोज ऐसे करते हैं तब इसमें अपने आप से ऑटोमेटिज्म भी आ जाएगा। जब आप बस हमारे साथ जब एक थॉट देंगे तो वो होने लगेगा, और उसके बाद कई बार ऐसा होगा अगर आप हमारे सेशंस में जब अच्छे से सीख जाएंगे और खुद से इंडिविजुअल अपने से भी करेंगे, तो आप जानेंगे, आप महसूस कर पाएंगे इस सफाई को। आप जब आप पीछे से निकाल रहे हैं जटिलताएं और अशुद्धियां, तो ऑटोमेटिज्म आएगा कि कई बार अगर आप सोचेंगे कि आप रोक लें तो वो रुकेगा नहीं, अगर नहीं रुकना होगा तो वो जाता जाएगा। और जब एक जैसे ही वैक्यूम या खालीपन अंदर क्रिएट होगा, जब एक थॉट आप सामने से देंगे तो वो एकदम फिल होने लगेगा, ऑटोमेटिज्म आ जाएगा। और जब ऑटोमेटिज्म आ जाएगा तो आप बहुत एंजॉय करने लगोगे प्रोसेस को भी। प्रक्रिया हमेशा प्रार्थना के साथ शुरू करें कि आप सही में आप इसको अच्छे से अडेप्ट करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो ज़रूर वो आएगी और आप ज़रूर अपने आप को रिफ्रेश, मानसिक तौर से बिल्कुल स्वच्छ और पवित्र ज़रूर फील करेंगे। अपने आप को रीसेट कर पाएंगे पूरे दिन की जो भी हम वाइब्स लेते हैं, जो भी हम मिलते हैं, जितने भी स्टेन्स हम लगाते हैं, हम अपने आप को बहुत अच्छे से रिफ्रेश कर पाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप ज़रूर इन क्लीनिंग सेशंस को अटेंड करें, अच्छे से सीखें। और हमारा फ़र्ज़ ये भी बनता है कि हम बाकी लोगों को भी इनक्रेज करें,
ताकि वो सब भी इन सेशंस का फायदा उठाएं, क्लीनिंग सेशंस जो हो रहे हैं और मॉर्निंग मेडिटेशन सेशंस जो हैं, वो सब हम सब के एवोल्यूशन के लिए ही हैं, हम सब ताकि इस मानव जीवन को अच्छे से शांतिमय तरीके से बिता पाए। तो आप सबसे अनुरोध है कि आप सबको इन प्रोग्राम्स में बुलाइए और उनको हमारे साथ जोड़िए, ताकि वो सही तरीके से सही प्रोसेस को भी जान पाए। तो इस सेशन में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू।